फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ लेकर आया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। जी हाँ, बिहार बोर्ड का न्यूज़ लेकर आया हूँ, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ है आप लोगों को। जी हाँ, इस बार जो है आप लोग झूम उठेंगे खुशी से। देख लीजिए, आप लोगों का सेंटर परीक्षा में पूछा जाएगा, बस इसको पढ़ लो। और इस बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को दो और खुशखबरी देने जा रहा हूँ। सारा पोल खोल दिया बोर्ड ने। जी हाँ, बिल्कुल एकदम इसी प्रकार का न्यूज़ है आप लोगों का। जी बिल्कुल, आप लोग झूम उठेंगे कि सेंटअप एग्जाम में कितना नंबर लाने के बाद हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा। ये सभी बातें मैं आप लोगों को, जी हाँ, एकदम तुरंत अभी के अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी के अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए पूरा पूरा सेशन से। प्यारे भाइयों, हम लोगों को चला आना है सीधा गूगल पर। गूगल पर आने के बाद सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। सर्च करने के बाद जी आप लोग बोल भी सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। ऐसा इंटरफेस आएगा, जब ऐसा इंटरफेस आए तो आप लोग इसको टच करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद प्यारे साथियों, एकदम नीचे की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। नीचे की ओर जाने के बाद एकदम देखिए, यहाँ पर दे दिया गया आप लोगों को, क्या दे दिया गया? न्यू अपडेट। क्या दे दिया गया? न्यू अपडेट दे दिया गया। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जी हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमको, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार के नाम से। जी हाँ, नहीं तो प्रमोद कुमार गुप्ता के नाम से। चलिए देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, बिहार बोर्ड ने दिया दो खुशखबरी वाले, खुशखबरी 2023 वाले परीक्षार्थी को। झूम उठे खुशी से, ठीक है। तो आप लोग इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, कुछ इस प्रकार से खुल जाएंगे। खुलने के बाद जो है आप लोगों को नीचे की ओर जाइएगा। तो नीचे की ओर जाने के बाद देखिए, यहाँ पर दे दिया गया खुशखबरी नंबर वन दे दिया गया बिहार बोर्ड द्वारा। बताया गया कि 33% लाने पर विषय में पास किया जाएगा, जैसा कि प्रैक्टिकल वाले विषय में थ्योरी में 23 अंक लाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में 11 अंक लाना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिकल वाले विषय में 33 अंक थ्योरी से ही लाना पड़ेगा, जिससे कि एडमिट कार्ड सभी का जारी किया जाएगा। अगर 33% प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों का नंबर नहीं आता है तो आप लोग का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल में 33% अंक आया तो एडमिट कार्ड जारी नहीं, अंक नहीं आया तो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। सूत्रों से पता चला है कि पहले 60% पर बताया गया था, अब बहुत ही आसान हो गया है। पहले जो था ना आप लोगों का रूल था, क्या था कि अगर 60% लाते हैं सेंटअप एग्जाम में तभी जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन अब चेंज हो गया, ठीक है। खुशखबरी नंबर दो, बिहार 2022 सेंटअप परीक्षा में 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर का प्रश्न उत्तर पूछा जाएगा, जैसा कि पिछले वर्ष की वर्ष भी पूछा गया था। इस साल यानी 2022 से 2022 से लेकर 2022 तक का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक के माध्यम से तैयारी करें, जैसा कि नीचे लिंक में दिया गया है, आप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ दे दिया गया है कि बिहार बोर्ड ने बताया कि सेंटअप परीक्षा के पैटर्न पर मॉडल पेपर जारी किया जाएगा, और साथ ही 2023 परीक्षा में वही पैटर्न पूछे जाएंगे, वही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। 2023 एग्जाम यूनिक आईडी होना आवश्यक है, ठीक है। 2023 में यूनिक आईडी होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और 2023 का मॉडल पेपर यहाँ पर दे दिया गया है। तो प्यारे साथियों, बिना देरी किए आइए, यहाँ से डाउनलोड करके ले जाइए, ठीक है। कहाँ से? तो यहाँ से डाउनलोड करके ले जाइए। देखिए यहाँ पर दे दिया, सेंटर पे एग्जाम के टाइम टेबल दे दिया गया है, वायरल प्रश्न यहाँ से आएगा, बिल्कुल यहाँ क्लिक कर लीजिए। और 2023 का परीक्षा का रूटीन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए, और बिहार बोर्ड न्यूज़ चाहिए तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए तो यहाँ, और टेलीग्राम यहाँ पर दे दिया गया। यूनिक आईडी अगर नहीं बना है आप लोगों का तो यहाँ पर आकर जल्दी से बना लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।